जितनी भी ट्रॉफी और कप है उनको मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। तो काफी मजेदार वीडियो है दोस्तों। लास्ट में मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी इंक्लूड करा है, जो इस टॉपिक से लास्ट ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैंने उस टेस्ट में इंक्लूड करें। तो आप अच्छे से ट्रिक को देखिएगा और लास्ट में जब आप टेस्ट लगाएंगे तो बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में ना ही मैं कुछ आपको याद करने का बोलूंगा ना ही कोई ट्रिकी सेंटेंस याद करूंगा, सिर्फ आपको ट्रिक देखना है और सुनना है। एक बार अच्छे से वीडियो ध्यान से देख लिया उसके बाद आपको सारा याद हो जाएगा, कहीं ना कहीं दिमाग में आपकी सारी चीजें सेट हो जाएगी। जब भी आप क्वेश्चन देखोगे फटाक से आंसर आपका निकल कर आएगा। तो फ्रेंड्स बस रिलैक्स होकर वीडियो को अच्छे से एंजॉय करिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्फ की, तो गोल्फ से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है उनको हम याद करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा कि गोल्फ जो गेम है वो किस तरीके की पर्सनालिटी के लोग खेलना पसंद करते हैं। जो प्रिंस होते हैं, राजा होते हैं, प्रिंस टाइप की पर्सनालिटी के लोग गोल्फ को खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। अब गोल्फ में देखिए क्या होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है उसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो जब शॉट लगाया जाता है खिलाड़ी के द्वारा तो गेम तक पहुंचने के लिए उसको राइड करके जाना होता है। तो ये आपने देखा होगा अक्सर टीवी में भी आपने देखा होगा कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, जब शॉट लगाता है वो तो वापस से गेम के पास पहुंचने के लिए वो राइड करके जाता है। अब चूंकि हम गोल्फ को देखना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं तो जो भी ऑडियंस देखने जाती है गोल्फ को वो भी वहां पर बोर हो जाती है और बोर होकर आपस में बकबक करना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमने जो भी रियलिटी है इसकी वो हमने डिस्कस करी है। तो इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपने सुन लिया ना तो आपको बस इससे रिलेटेड देखिए सारी ट्रॉफी याद आ जाएगी। सबसे पहला आता है प्रिंस ऑफ वेल्स कप, तो यहाँ पर देखिए वर्ड पकड़ा हमने प्रिंस, और प्रिंस टाइप की पर्सनालिटी के लोग गोल्फ खेलना पसंद करते हैं तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सेकंड आता है राइडर कप, तो मैंने आपको बताया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए राइड करके जाता है वो खिलाड़ी, तो उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तीसरा आता है बाकर कप, तो ऑडियंस जो होती है वो बोर हो जाती है इसलिए बकबक करने लग जाती है, तो बाकर कप किससे रिलेट होगा, गोल्फ से रिलेटेड होगा। तो ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप और बाकर कप, ठीक है। एक बार सुन लिया बस अब ऑटोमेटिकली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके दिमाग में ये जो डायग्रामेटिकली मैंने इमेज बनाई है वो आपके दिमाग में आ जाएगी। चलिए देखिए अगला खेल है रोइंग। रोइंग स्पोर्ट जो है वो पानी से संबंधित है और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रॉफी होती है वो कौन सी होती है, वेलिंगटन ट्रॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, तो ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है कि इसको याद कैसे करेंगे कि वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो रोइंग से संबंधित है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप वेलिंगटन वर्ड को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, विलिंगटन शहर के बारे में दिमाग में आता है जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी है और न्यूजीलैंड देखिए चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पानी से रिलेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो पानी वाले खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपको देखना होगा, वहां पर आपको रोइंग ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे। एक दो बार आप बस सुन लेंगे ना इसको तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए अगला खेल आता है पोलो। पोलो जो खेल है उसको भारतीय लोग जो है वो जरा सा भी पसंद नहीं करते हैं, सभी लोग क्रिकेट हॉकी फुटबॉल देखना पसंद करते हैं पर पोलो को देखना पसंद नहीं करते हैं, इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं, पोलो को जरा सा भी पसंद नहीं करते हैं देखना। तो जरा से क्या बनेगा दोस्तों, एजरा कप। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है, तो आप बहुत इजी तरीके से बना पाएंगे एजरा में जरा, तो जरा सा भी देखना नहीं पसंद करते हैं ऐसा कौन सा गेम है, वो है पोलो, ठीक है। ऑप्शन में आपको देखिए समझ में आ जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एजरा कप, लास्ट दो तीन साल से एग्जाम में पूछ रहे हैं इसको, तो ध्यान रखिएगा। अगला स्पोर्ट आता है वेटलिफ्टिंग। वेटलिफ्टिंग जो गेम है उससे रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वर्धमान ट्रॉफी। वर्धमान ट्रॉफी वेटलिफ्टिंग से संबंधित है, तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, वर्धमान जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है बढ़ना या वृद्धि, वृद्धि करना या बढ़ना, वर्धमान का मतलब होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये रिलेट करेगा, आपने हमेशा देखा होगा वेटलिफ्टिंग गेम में समय के साथ साथ क्या होता है, वेट को बढ़ाया जाता है, तो ये बढ़ाना वाला जो वर्ड है ना, वृद्धि करना बढ़ाना, ये वेटलिफ्टिंग से संबंधित है। क्रिकेट में बढ़ाना वृद्धि करने का कोई सेंस समझ नहीं आ रहा, हॉकी में समझ नहीं आ रहा है, बास्केटबॉल में समझ नहीं आ रहा है, पर वेटलिफ्टिंग में बढ़ाना वृद्धि करना बिल्कुल समझ में आ रहा है, वेट को बढ़ाना। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि वर्धमान ट्रॉफी जो है वो वेटलिफ्टिंग से संबंधित है। अगला स्पोर्ट आता है हमारा लॉन टेनिस। तो करंट अफेयर में भी हम काफी डिस्कस करते हैं लॉन टेनिस के बारे में, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, ये तो लॉन टेनिस से संबंधित हैं सभी को पता होता है, पर एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है डेविस कप से। तो फ्रेंड्स आप कैसे याद रखेंगे कि डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है, बड़ा ही सिंपल है, देखिए मैं आपको बताता हूं। आप डेविस को देखिए, बोल के देखिए डेविस, तो उसमें ईस का साउंड आ रहा है और टेनिस में भी ईस का साउंड आएगा, टेनिस, तो दोनों बिल्कुल मैच कर रहे हैं, साउंड दोनों में बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, डेविस टेनिस, ठीक है ना। बाकी दूसरे स्पोर्ट्स के अगर नाम लोगे क्रिकेट बास्केटबॉल तो वो मैच नहीं करेगा, यहाँ पर आपका जो साउंड है वो मैच कर रहा है, डेविस और टेनिस, इस का साउंड मैच कर रहा है, ठीक है। तो उसे आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया डेविस कप किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट फुटबॉल गोल्फ और टेनिस, आपके सामने चार ऑप्शन है, तो बस आप बोल के देख लीजिए आंसर आपको मिल जाएगा, क्रिकेट डेविस बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, फुटबॉल गोल्फ मैच नहीं कर रहा है, टेनिस इस का साउंड आ रहा है, मतलब आंसर क्या होगा, डी आंसर। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी जो लॉन टेनिस से रिलेटेड ट्रॉफी है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सारी मैं आपसे करंट अफेयर में डिस्कस करता रहता हूं, तो आपको बहुत इजी तरीके से याद होगा। चलिए अगला आता है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग से रिलेटेड कौन सी ट्रॉफी है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो जो भी बॉक्सिंग में विजेता होता है, विनर होता है, वो क्या कहलाता है, किंग कहलाता है। तो फ्रेंड्स किंग जो वर्ड है वही आपको ट्रॉफी में देखने को मिलेगा, किंग्स कप। किंग्स कप जो है वो बॉक्सिंग से संबंधित है, बहुत ही सिंपल है, तो आप इजीली याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्रिकेट। क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एशेज, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, ये जितने भी मैंने आपको बताया क्रिकेट से रिलेटेड ये सारी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे याद करेंगे, चलिए एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देवधर ट्रॉफी की। तो देवधर ट्रॉफी में देखिए वर्ड हमने पकड़ा देव, देव से क्या बना, कपिल देव, और कपिल देव जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, इन्हीं की कप्तानी में भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था, वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। तो बहुत इसी तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि देवधर में देखिए हमने वर्ड पकड़ा देव, देव से बना कपिल देव, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। अगला आता है दिलीप ट्रॉफी। तो देखिए वर्ड दिलीप जो है वो दिल जैसा साउंड दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा गेम है जिसका कनेक्शन सीधे दिल से, वो सिर्फ एकमात्र है क्रिकेट।
भारतीय लोगों के दिल में अगर कोई सा गेम बसा हुआ है तो वो क्रिकेट बसा हुआ है। तो बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि दिलीप ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। देखिए अगली ट्रॉफी आती है एशेज। एशेज जो ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित है, कैसे याद रखेंगे? बड़ा ही सिंपल है, क्रिकेटरों की लाइफ जो होती है बड़ी ऐशो आराम की होती है क्योंकि बहुत सारा पैसा होता है, तो उससे हम इसको याद रख सकते हैं। क्रिकेटरों की लाइफ जो होती है बड़ी ऐशो आराम की होती है। तो एग्जाम में कभी भी आएगा एशेज तो वहां से देखिए आपको वर्ड समझ में आएगा एश, और एश वाली लाइफ जो होती है वो किसकी होती है, क्रिकेटरों की होती है। तो क्रिकेट आपको इजी ऑप्शन समझ में आ जाएगा। तो एशेज जो होती है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट श्रृंखला है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सीके नायडू ट्रॉफी की बात करते हैं तो देखिए इनके तो नाम में क्रिकेट छुपा हुआ है, सीके मतलब क्रिकेट, बहुत इजी तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे। भारतीय टीम में टेस्ट मैचों में जो पहले कप्तान हुए वो कौन हुए, सीके नायडू हुए। ओके चलिए अगला आता है रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी तो सभी लोगों को पता होगा कि क्रिकेट से रिलेटेड है ये, तो इसको तो आपको ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए लास्ट आता है ईरानी ट्रॉफी, तो ईरानी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो ये मैंने आपको बताया है क्रिकेट से रिलेटेड सारी ट्रॉफियां, बड़ी ही हमने सिंपल तरीके से इसको याद कराया है, आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो मैंने बातें बोली है वो आपके दिमाग में चलेगी और आप आंसर तक जरूर पहुंचेंगे। लास्ट में आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए अगला स्पोर्ट आता है हॉकी, तो जब भी हॉकी की बात करते हैं हम हमारे दिमाग में नाम आता है मेजर ध्यानचंद का। मेजर ध्यानचंद ने कितनी बार भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया है? तो जब भी ध्यानचंद गोल्ड मेडल जीतकर आते थे तो उनके जश्न में लोग रंग उड़ाते थे, ऐसा आप दिमाग में इमेजिनेशन बना लीजिए कि मेजर ध्यानचंद जब भी गोल्ड मेडल जीतकर आते थे ओलंपिक से तो लोग खुशी में रंग उड़ाते थे। तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हॉकी के बेटे के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप क्या आंसर देंगे? मेजर ध्यानचंद को। बस यही हमारी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सी, बेटे से बना हमारा बैटन कप और ध्यानचंद से बना ध्यानचंद कप, तो दो तो हमने याद कर लिए। और देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी वो गोल्ड मेडल जीत कर आते थे तो लोग खुशी में रंग उड़ाते थे, तो रंग से बनेगा हमारा रंगा स्वामी कप। तो इस तरीके से हमने तीन जो ट्रॉफी है वो तो हमने याद कर ली। देखिए अगली ट्रॉफी की बात करते हैं वो है आगा खां कप। आगा खां कप जो है वो हॉकी से रिलेटेड है, कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर वर्ड हमने पकड़ा आगा, आगा में देखिए हमको साउंड मिल रहा है आग जैसा, दिख रहा है ना? तो ऐसे ध्यान रखिए कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी जब भी चलती थी आग लगा देती थी, सामने वाली टीम बिल्कुल एकदम धराशायी हो जाती थी। तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी आग लगा देती थी। ठीक है फ्रेंड्स अगला आता है देखिए इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये हॉकी से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स ये मैंने हॉकी से रिलेटेड सारी ट्रॉफी आपसे डिस्कस करी। देखिए अगला खेल आता है फुटबॉल, और फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है रोनाल्डो का। रोनाल्डो को तो सभी लोग जानते होंगे, तो देखिए रोनाल्डो में आगे का जो शब्द है रो, उसी से रिलेटेड एक ट्रॉफी बनती है रोवर्स कप, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। तो एक स्टोरी देखिए सुनिए, रोनाल्डो ने रोवर्स कप जीता तब रोनाल्डो को संतोष मिला। रोनाल्डो को संतोष कब मिला? जब रोनाल्डो ने रोवर्स कप जीता, ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं। तो रोवर्स कप संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। देखिए अगली ट्रॉफी आती है हमारी डूरन कप। डूरन कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। तो डूरन में देखिए वर्ड टूपा हुआ है डर, और डर का संबंध है फुटबॉल से। कैसे? सबसे ज्यादा रिस्की गेम है फुटबॉल, इसमें खिलाड़ी जो होते हैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, चोट लग जाती है, ठीक है, क्योंकि धक्का मुक्की देखने को मिलती है फुटबॉल में। फुटबॉल खेलने से डर लगता है, सभी लोग फुटबॉल नहीं खेल सकते, जिसमें हिम्मत है वही खेल सकता है। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। अगला आता है सुब्रतो कप। सुब्रतो में देखिए वर्ड छुपा हुआ है सब्र, और हम भारतीय सब्र कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो इंडियन टीम फुटबॉल में अपना नाम कमाएगी और कभी ना कभी तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होगी और वर्ल्ड कप जीत के लाएगी। तो हम सभी लोग सब्र कर रहे हैं, तो हम सभी लोग सब्र कर रहे हैं किस खेल के लिए सब्र कर रहे हैं? फुटबॉल के लिए सब्र कर रहे हैं। क्रिकेट में हम ऑलरेडी जीते हुए हैं वर्ल्ड कप, हॉकी में भी वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, सिर्फ फुटबॉल ऐसा गेम बचा हुआ है जहां पर हम पीछे छुटे हुए हैं। तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, सुब्रतो कप, ये सारे जितने बताए मैंने फुटबॉल से रिलेटेड है। एक और ध्यान रखिएगा, नेहरू गोल्ड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। देखिए अगला जो गेम आता है वो आता है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन कप की बात करते हैं तो हमारी ट्रिक ये है कि नारंगी रंग का चड्डा अगर आप पहनकर बैडमिंटन खेलोगे तो आप हर मैच जीत जाओगे। तो ये हमारी ट्रिक थी, नारंगी चड्डा पहनकर अगर आप बैडमिंटन खेलोगे तो आप हर मैच जीत जाओगे। तो फ्रेंड्स नारंगी से हमारा बना नारंग कप और चड्डा से बना चड्डा कप, ये दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, बड़ी आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 10 खेलों के सभी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी को बहुत ही इजीली ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी ट्रिक जो है वो कितनी कारगर है। हम एक टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस उस ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए टेस्ट लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सीके नायडू कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो सीके नायडू, तो इनके नाम में देखिए क्या छुपा हुआ है, वर्ड क्रिकेट छुपा हुआ है, सीके क्रिकेट। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर, सीके नायडू कप क्रिकेट से संबंधित है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या हॉकी? तो देखिए डेविस टेनिस, डेविस टेनिस, आपस में देखिए साउंड मैच कर रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए डूरंड में हमने क्या वर्ड पकड़ा था? डर, डर वर्ड छुपा हुआ इसमें, और डर लगता है हमको फुटबॉल खेलने से क्योंकि फुटबॉल में चोट लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा इंजरी अगर देखी जाती है तो वो फुटबॉल में देखी जाती है। ठीक है, इसलिए फुटबॉल खेलने से डर लगता है। तो इस तरीके से हमने उसको याद करा था। तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस पर्सनालिटी के लोग क्या खेलना पसंद करते हैं? गोल्फ खेलना पसंद करते हैं। डी आंसर सही होगा। बैटन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बैटन कप हॉकी से संबंधित है। हॉकी का बेटा किसे बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को। तो बेटे से क्या बनाया था हमने? बैटन कप। और ध्यान रखिएगा सबसे पुराना अगर कोई टूर्नामेंट है हॉकी का तो वो कौन सा है? बैटन कप है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी निम्न में से किसके लिए दी जाती है? तो देखिए यहाँ पर वर्ड वेलिंगटन ये हमने पकड़ा, तो वेलिंगटन देखिए वर्ड सुनकर दिमाग में क्या आता है? वेलिंगटन शहर आता है जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी है, और न्यूजीलैंड चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो पानी से कहीं ना कहीं रिलेशन है इसका।
तो पानी वाला गेम देखिए, शतरंज, हॉकी हो ही नहीं सकता, ब्रिज नहीं हो सकता, रोइंग, बिल्कुल ए आंसर इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी ट्रिक यहाँ पर काम कर रही है। चलिए आगे और क्वेश्चन लेते हैं। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप, देखिए जरा सा भी मन नहीं करता है देखने का, कौन सा गेम? पोलो। आंसर क्या होगा? ए आंसर, एजरा कप पोलो से संबंधित है। राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? तो राइड करने की जरूरत पड़ती है गोल्फ में, हमने बात करी थी, तो डी आंसर। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, सभी को पता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुब्रतो कप निम्न में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो में देखिए क्या वर्ड छुपा हुआ है? सब्र। और हमने बात करी थी कि हम सभी लोग सब्र कर रहे हैं कि जल्दी हम फुटबॉल का विश्व कप जीतेंगे, तो ए आंसर है। क्रिकेट में हम जीत चुके हैं, फुटबॉल में हमने विश्व कप नहीं जीता है, तो हम सभी लोग सब्र कर रहे हैं, तो सब्र से सुब्रतो कप। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कप